चाहते नहीं, हम ये समझेंगे कि हमें क्या समझ, क्या समझ में क्यों होता। अगर आप एक बात पे पॉइंट करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे उसके दिन पड़ जाए। मैंने सोचा कि आप उसके पीछे पड़ो, मैंने सोचा उसके पीछे क्यों पढ़ने का जब हमारे पास है, तो उसके पीछे क्यों पढ़ने का जब हमारे पास है। तो 15-16 बार तो हमने तीन कथा लिख के बंद कर दी। इससे हम सीखते हैं कि तीन कथाएं बनकर हमें पूजा करनी चाहिए, या गणपति पप्पा हो, या लक्ष्मी माता हो, या कोई भी हो, उनका साथ देना चाहिए। हमें एक पॉइंट पे करना चाहिए, साथ देना चाहिए, हिंदी मराठी हिंदी बोलना चाहिए। इससे हम बढ़ते बढ़ाते नहीं होते, हमें इस सम से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मैंने तुम्हें क्या बोला था, पहले जब भगवान की कथा आती थी तब मैंने बोला था कि कभी भी जो हो उस पे ध्यान, मैं उस पे ध्यान देती थी, मुझे कोई फर्क नहीं। हमने बोला कि वो फर्क थी, उसको लगता था कि एक बार पॉइंट पे पॉइंट मुझे मम्मी ने बताया, मैं खुद नहीं पहनी। नहीं, इस पर पे पॉइंट रखने, कभी भी हमारी चीज को बात सुन, एक चीज को दूसरी चीज को पॉइंट पे पॉइंट रखने, समझ आई? जेस, ये मेरे पापा है जो कुछ भी बोल देते हैं। देखो, एक 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 पॉइंट पे पॉइंट रखना चाहिए, तो हमें बोलना चाहिए एक एक पॉइंट पॉइंटी पॉइंट पॉइंट। देखो, जब हम मार्केट में गए तब उस पे क्या बोलते हैं, सब्जी और रोटी कहाँ से आती है, आटे से। इससे आप सीखते हैं कि 5 2 6 6 2 5 5 2 6 8 2 9 9 2 5 5 2 5। इसलिए आप सीखते हैं डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट। मैं डॉट टू डॉट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए कि डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको डॉट टू डॉट पसंद है। डॉट टू डॉट इसलिए है क्योंकि